नमस्कार आदाब भाई, रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो रही है और पहले चक्र पूरे हो चुके हैं। नगर पंचायत जानसठ के मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मतगणना चल रही है, शांतिपूर्ण मतगणना हो रही है। इसमें अगर आप जानसठ की बात करें तो गठबंधन प्रत्याशी आबिद हुसैन काफी बढ़त लिए हुए हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि रजनीश उर्फ मोहनी भी 800 मत करीब आसपास पहुंच गए हैं दूसरे चक्र में। पहले चरण का क्या है आंकड़ा, उसकी भी अपडेट दिखाएंगे और प्रथम चक्र में किसको कितनी वोट मिली है, आइए इस बाबत भी हम रूबरू कराएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल लगाई गई है और मतगणना शांतिपूर्ण चल रही है। हम आपको ये भी बता दें कि करीमुल्ला पट्टी से कुसुम विजयी हो गई हैं और वार्ड एक से सुशील आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना है अधिकृत रिजल्ट क्या आते हैं। नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश, आज मतगणना शुरू हो गई है। 4 तारीख और 11 तारीख को हुआ था मतदान। लेके चलेंगे सीधा जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ, जानसठ के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। और जानसठ की जब बात करें तो यहाँ पर नगर पंचायत जानसठ, नगर पंचायत बिरापुर, नगर पंचायत भौकरेडी की मतगणना शुरू हो गई है। जैसे मैं आपको रात जिलाधिकारी एसएसपी एसपी ट्रैफिक को दिखा रहा था, उन्होंने खास इंस्ट्रक्शन दिए थे किस प्रकार होगी मतगणना, और मतगणना उसी क्रम में चल रही है। बात करते हैं जानसठ की, तो जानसठ के अंदर भी गठबंधन प्रत्याशी आबिद हुसैन लगभग 200 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रथम चक्र में ही उन्होंने बढ़त बना ली है और दूसरे नंबर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवेंद्र भड़ाना है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तीसरे नंबर पर रजनीश सैनी और मोनी लगातार उनका पीछा करते जा रहे हैं। प्रथम चक्र है और ये अभी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। साथ साथ हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, पोस्ट कर लेना के लिए, पोस्ट करना नहीं चाहिए। तो जानसठ की हम आपको बात बताएंगे, तो यहाँ पर प्रथम चक्र में कौन कौन से जो मतदान स्थल थे